करोड़ों की पेमेंट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में जिस प्रकार से उन्हें जवाब दिया कि भी क्या आपने बजट में कटौती की है और बहुत सारे डिवीजन पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं और दूसरे विभागों के भी ऐसे हैं जहां पिछले 9 महीने से जो काम किए हुए हैं टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वर्ड का काम अवार्ड हुआ, उसके बाद काम का एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पेमेंट अभी तक लोगों को नहीं मिल रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है तो बताइए। और इससे पहले ही डॉक्टर जनक राज जी के ही प्रश्न में उनने कहा कि हाँ पेमेंट देने को है, पेंडिंग है। और बाकी तो छोड़िए, हिमाचल प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के डिवीजन में पिछले 9 महीने से सारी पेमेंट होल्ड पर है, पेमेंट नहीं दी जा रही है जो काम कर दिए गए हैं। और ऐसे में अब प्रोसेसिंग ने शुरू किया है छांट छांट के कांग्रेस के कुछ नेताओं को जो ठेकेदार हैं उनको एलओसी जारी करनी शुरू कर दी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने पहले जो काम किए हैं उनको ये कहा जा रहा है कि तुम जो है इनके माध्यम से बात करो, तब जा करके हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सदन को लगातार गुमराह किया जा रहा है झूठ बोल करके। करोड़ों रुपए की पेमेंट आज पेंडिंग है, पिछले 9 महीने से वो पेंडिंग पेमेंट अभी तक ना कॉन्ट्रैक्टर को हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब सीधा है कि मजदूरों ने मजदूरी की होती है और किसी ने मजदूरी के साथ साथ जो उनके पास जो मशीनरी है उसका यूज़ किया होता है, उसकी बैंक की पेमेंट्स होती हैं, बैंक की लोन की पेमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी पेंडिंग होने की वजह से मजदूरों को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जो मशीनें खरीदी जिन लोगों ने वो उसकी जो है उनकी पेमेंट ना होने के कारण वो बैंक वालों ने वापिस ली। ये परिस्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार गुमराह करने की कोशिश यही हो रही है कि पेमेंट जो है हमने सारी कर दी है, हमने कुछ नहीं रोका है। और पता कर लें हकीकत क्या है, सभी पीडब्ल्यूडी डिवीजन आईपीएच डिवीजन से पता तो कर लें कि पेमेंट पिछली कितनी पेमेंट है और वो कब तक होगी। पेमेंट नहीं की जा रही है और उल्टा जो पैसा बजट एलोकेशन हमने करके रखी हुई थी, जो पैसा खर्च नहीं हुआ था उस पैसे को वापिस ले लिया, सारा का सारा पैसा वापिस ले लिया। हम इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक तंगी है, लेकिन उसके बावजूद नए काम की तो बात छोड़िए, जो काम करके रखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की लागत से, जिसमें मजदूरों ने मजदूरी की है और दूसरे लोगों ने जो काम किया है उनकी पेमेंट अभी तक भी 9 महीने से नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है। इसी बात को लेकर के जब हमने कहा हकीकत बताइए, सच्चाई बताइए, हम भी जब मुख्यमंत्री बने थे करसो के डिवीजन की 28 करोड़ रुपए की पेंडेंसी पेमेंट की थी, हमने क्लियर की। वो हमने कहा जब टेंडर हो चुके हैं, टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, वर्क की एग्जीक्यूशन हो चुकी है तो उसको करना ही पड़ेगा। और उसी तरह से पूर्व में उस वक्त की कांग्रेस की गवर्नमेंट में मेरे डिवीजन में वो भी 20 करोड़ से ऊपर की पेमेंट थी, हमने वो भी क्लियर की, इसलिए कि क्योंकि सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। यहां कंप्लीट होने के बावजूद पेमेंट रोकी गई है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री सदन को गुमराह करके झूठ बोल रहे हैं। इसी बात को लेकर के हमने कहा सच बोलिए। और मैं ये कहना चाहता हूं जिस तरह से झूठ बोलकर के सत्ता में आए हैं, जिस तरह से झूठ बोलकर को सत्ता को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सारी चीजों को लेकर के जब हम पर्दा उठा रहे हैं, उसे पर्दाफाश कर रहे हैं तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बेशर्मी इस कदर की है सरकार की, झूठ बोलने से अभी तक भी फैक्ट्स सामने आने के बावजूद भी नहीं बंद हो रहे हैं, नहीं रुक पा रहे। यही मुद्दा था।